भाई देखो, मैं तो अब क्या बताऊं, श्री कृष्ण के बारे में तो बताना बहुत मुश्किल है। मेरा सिद्धि से तुच्छ आदमी तो कुछ बता भी नहीं सकता। बाकी ये जरूर है कि एक बार अगर आप ठीक गुरु आपको रसिक मिल जाए किसी जन्म में, ये कान फूकने वाले नहीं, जिनके पास कुछ नहीं, पावर हाउस में लाइट नहीं, मीटरों के कनेक्शन फाइल बना बना दे रहे लोगों को, वो नहीं। ये तो ये खेल है जिनकी आगे क्या हालत होगी भगवान नोट कर रहे हैं ना। एक जीव को भ्रमित क्यों किया, उसने विश्वास कर लिया और वो गले गुरुजी पार तार देंगे, वो काम क्रोध लोभ में लिप्त है। तो अच्छा गुरु किसी को रसिक मिल जाए, मतलब ब्रह्मनिष्ठ और श्रोत्रिय भी हो। अब गुरु की परिभाषा भी समझ लो, ये लोग भ्रमित हैं। दो बार गए और उसने कहा अग महाराज जी मंत्र लेना है, और उसने कहा लिया सामान, ये लिस्ट बना दी, कोई जांच नहीं, कोई परख नहीं। हम फौज में भर्ती हुए तो भी 10 टेस्ट लिए हमारे, दौड़ाया, छाती नापी, ये नाप्या, ब्लड प्रेशर नाप्या, हाइट नापी, वेट नाप्या। इधर तो आजकल कह रहे हैं हाँ भाई मंत्र लेगा। हाँ महाराज जी सब कहते हैं मंत्र बगैर कल्याण नहीं होगा, बेचारे को ज्ञान नहीं है। और आकर के उसने कहा अजा ये लिस्ट बना दी, सामान लिया और एक मिनट में ठीक है चेला हो गया, जा घूम विषयों में धक्के खा और मेरी पॉपुलरिटी कर। ये चक्कर चल रहा है। तो इन जेब कतरों से तो सावधान रहना है, ये ध्यान रखना। यही सनातन धर्म का नाश हो रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको। पाखंड कर्मकांड में डालना, बहकाना, भीड़ इकट्ठी करना और लोगों को फिर अपना घर में, ये जो आजकल हैं इन्होंने अपना घर फूका है क्या? अपना घर फूका, तन मन फूका, 10-20 साल तपस्या की, कुछ किया, डायरेक्ट अब चंदा करने लग गए, अब गौशाला बनवाऊंगा, अब इतने लोगों को खाना खिलाऊंगा। अरे दूसरे का धर्म अपना नहीं होता, धर्म भक्ति अपनी होती है, दूसरे की नहीं हो सकती। पहले अपने आप को फूक के दिखाओ। लेकिन जो चल रहा है, इनको जो करेगा फल मिलेगा। हमने तो उस लाइन में जाना नहीं, क्यों? असली गुरु ने ज्ञान दे दिया था, इसलिए गुरु की महिमा है। और गुरु ठीक मिल जाए, अच्छा तत्व ज्ञान दे दे, आप आत्मा समझ लो शरीर ना समझ के, और शरीर को क्षण भंगुर मानो अभी खुश जाएगा, और 84 से डरोगे क्या हालत होगी। तो फिर श्री कृष्ण से प्रेम हो गया तो श्री कृष्ण तो भाई वो चीज़ है जो कुछ भी दे दे आपको, अपने आप को जो बेच दे। तो ये थोड़ा बहुत अनुभव है कि एक बार आप बैठ के देखो मन से उसी के लिए। लेकिन पाखंड से बचो, मेले से बचो, चेला चेली से बचो, दुनिया को इकट्ठी मत करो, छिपके रहो, अपनी बदनामी करो सुबह से शाम तक ताकि भीड़ ना घेरे आपको। इस डाल आप करोगे तो श्री कृष्ण क्या है, उसके बारे में क्या है, उसका एक अंश का भी अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन मैं घोड़ों की रास पकड़ रहा हूँ कुरुक्षेत्र में तेरी। हाँ महाराज जी पकड़ रहे हो, मेरे एक किसी रोंग में अनंत ब्रह्मांड है, तीन मेरे हिस्से तो खाली पड़े रहते, मैं भी नहीं जानता, योग माया में कभी कभी जा करके देखता हूँ इतने ब्रह्मांड है। तो यार एक बार उससे प्यार हो जाए तो उसके बारे में कहना क्या, जो आपको चाहिए वो आखिरी आनंद फानंद सब मिल जाएगा। तो बस उससे प्यार करना है, प्यार मन से करना है, शरीर की एक्टिंग नहीं करनी। अगर मन के साथ शरीर है, आप एकादशी भी रख रहे हो ठीक है, लेकिन आप मन आपका और कहीं है और एकादशी रखते तो वो जीरो है, ठीक है भाई। तो अंतकरण की भक्ति करनी है, सूक्ष्म शरीर की बहिकरण का दिखावा नहीं करना और इनके भ्रम में मत पड़ना, ये साधु बढ़िया है, ये साधु बढ़िया है, और लंबे लंबे आशीर्वाद देने वाला है, बच्चा सब मौज हो जाएगी, जाओ 10 लड़के हो जाएंगे। ऐसे ऐसे कांड कर रहे, इनसे दूर रहना है। साधु वो होता है जो संसारिक सम्मान नहीं देता, क्यों? संसारिक दलदल से वो निकल के आया है, समझो इस पॉइंट को। वो तो उससे प्रेम देता है, बल्कि वो ये सोचता है कि ये साधक सुधर नहीं रहा है, ये धन में आ सकती है, भगवान इसका धन छीन ले। क्या समझोगे आप रसिक को? तो ऐसे करके कृष्ण सब कुछ है, उसके प्रेम में रो के पागल होगे तो आप आनंद में भी डूबोगे, लीलाएं भी देखने लगे
ये जितना स्टैंडर्ड होगा और आखिर में वो खड़ा भी हो जाएगा, फिर आपकी चाकरी भी करेगा, एक नौकर भी मिल जाएगा आपको, ऐसा नौकर जो सदा जिसकी अनंत ब्रह्मांड पूजा करते। तो ये जीव क्या नहीं कर सकता, ये मृत शरीर ऐसे ही मिल गया क्या, इसको ऐसे खोने का क्या मतलब? तो सावधान हो जाओ और उससे प्रेम करो। श्री कृष्ण का मतलब है जो ब्रह्मानंद को भी बलात् खींच के अपने अंदर आसक्ति करा दे। कृष्ण का मतलब है कृष्ण, जो खींच ले कृष्ण। आप देखा होगा भगवान राम कृष्ण एक हैं, राम के बदन भगत कई कृष्ण में डाइवर्ट हो गए, लेकिन कृष्ण भगत नहीं हो सकता। क्यों? उस टाइम पर ये लीलाएं नहीं खुली, चार कला नहीं खुली, 64 कला हैं, रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, गुण माधुर्य और बंसी माधुर्य। ये जाके कृष्ण के अवतार में साक्षात परम अवतार नहीं अवतारी, उसमें सारी लीला खुली, उसी से जीव पढ़ के सुन के और खिंच के चला जाता है। बोलो ब्रज के कृष्ण की, नंदलाला की।